कुल्लू जिला मुख्यालय देवसदन में नेहरू युवा संगठन द्वारा एडवेंचर शिविर आयोजित किया जा रहा है। 7 दिवसीय इस एडवेंचर शिविर में कुल्लू, लाहौल स्पीति, सोलन और बिलासपुर जिला के दर्जनों प्रशिक्षु भाग ले रहे हैं। शिविर के दौरान युवाओं को साहसिक गतिविधियों से रूबरू करवाया जा रहा है। वहीं शाम के समय युवाओं द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी पेश की जाती हैं। कुल्लू जिला मुख्यालय देवसदन में नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा एडवेंचर शिविर का आयोजन किया जा रहा है। युवाओं को एडवेंचर ट्रेनिंग देकर उन्हें सशक्त बनाना इस शिविर का मुख्य उद्देश्य है। समन्वयक प्रदीप ने बताया कि युवा सेवा भारत सरकार मंत्रालय द्वारा इस शिविर का आयोजन केलोंग में किया जाना था, लेकिन भारी बर्फबारी होने के कारण इस शिविर का आयोजन कुल्लू के देवसदन में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस कैंप में 5 जिलों के युवा भाग ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि साहसिक गतिविधियां किसी भी परिस्थिति में काम आती हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश एक साहसिक गतिविधियों का बड़ा हब हो सकता है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति साहसिक गतिविधियां करता है उसका मानसिक और बौद्धिक संतुलन बना रहता है। संगठन युवा कार्यक्रम में खेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा ये जो कैंप है ये केलोंग जिला के लिए एलोकेट किया गया था, और हालांकि केलोंग में थोड़ा ज्योग्राफिक कंडीशन अभी ठीक नहीं है, इसलिए हमारे जो यहाँ के जिन्होंने इस एडवेंचर की एक नींव रखी थी डॉक्टर लाल सिंह जी जो कमांडेंटर हैं रीजनल एडवेंचर सेंटर कुल्लू में, उनको स्पेशल नोडल ऑफिसर ऑन ड्यूटी यहाँ पे भेजा गया था ताकि हम इसमें जो है 5 जिलों के जो लड़के हैं ऊना, बिलासपुर, कुल्लू और केलोंग के लड़के हैं उनको यहाँ पर प्रशिक्षित किया जाएगा। 12 तारीख को इसका विधिवत शुभारंभ हुआ था जिसमें राजेंद्र निशिक आए थे, और ये 18 तारीख तक चलेगा। इसमें नेहरू युवा केंद्र का हमेशा से प्रयास रहा है कि किस तरह से जो ग्रामीण स्तर में युवा है उनके साहस और बौद्धिक और मानसिक स्तर पर उनको जो है सशक्त करें, इसलिए उनको जो है साहसिक गतिविधियाँ करवाई जा रही है, जिसमें फर्स्ट डे हमने जिप लाइन, वैली क्रॉसिंग और रैपरिंग जिसमें पत्थर से नीचे उतरते हैं किसी भी अपोजिट परिस्थिति में हम नेगोशिएट करें वो करवाया जाएगा, और पिछले कल इनको जुमारिंग करवाई गई जिसमें हम अपवर्ड साइड ऊपर कैसे जाते हैं, कई बार कठिन परिस्थितियाँ होती है ऊपर हैंग है वहाँ कैसे हम उसको ऊपरी साइड जा सकते हैं, और अभी हम नदी को कैसे आउट क्रॉस द रिवर उसकी हम टेक्निक यहाँ पे प्रॉपर तरह से करा रहे हैं कि नदी को कैसे क्रॉस कर सकते हैं। और देखिए साहसिक गतिविधियाँ किसी भी विपरीत स्थिति में तो हमें काम आती ही है, बल्कि हिमाचल प्रदेश में एक बहुत बड़ा एक इंडस्ट्री भी हो सकती है, और नेहरू युवा केंद्र का ये मेन मकसद था कि जो हमारे ग्रामीण स्तर के युवा है जिनको खास तौर पर बड़े बड़े कॉलेजेस में या बड़ी अच्छी शिक्षा प्राप्त न करने का मौका नहीं मिल पाया है वो अपना जो है काम कर सकते हैं अपने। वहीं शिविर में भाग ले रही प्रीति ने बताया कि उन्हें इस शिविर में एडवेंचर के बारे में जानकारी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि ये जानकारी उनके काफी काम आएगी। फर्स्टली तो हमें बताया गया कि एडवेंचर होता क्या है, तो एडवेंचर है सर हमारी बॉडी और माइंड का कॉम्बिनेशन, जैसे अपने माइंड और बॉडी को एक करके हमें कुछ कार्य करना है। तो इसका मेन मोटिव ये है कि जैसे कोई डिजास्टर वगैरह होता है या इमरजेंसी होती है तो उसमें हम कैसे अपने आप को सेव कर सकते हैं, कैसे दूसरे पर्सन को सेव कर सकते हैं। इसमें हमें बहुत सी एक्टिविटीज़ करवाई गई जैसे जिप लाइन हुआ हमारा, रैपलिंग हुआ, और अभी आप देख रहे हैं जैसा रिवर क्रॉसिंग। सिटी चैनल के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।